बधाई हो दीदी, हमारी रीनू को बहुत अच्छा घर और वर मिला है। शादी के बाद राज करेगी हमारी बिटिया रानी, नेहा चहकते हुए अपनी जेठानी पूजा से बोली। पूजा ने फीकी हंसी हंसकर कहा, हाँ सो तो है। नेहा को थोड़ा अजीब लगा, रीनू बिटिया की शादी इतने बड़े घर में पक्की होने पर भी जेठानी जी कुछ खुश नहीं लग रही थी। इतने बड़े घर से खुद सामने से रिश्ता आया है और न कोई मांग है, बहुत अच्छे लोग हैं, सादगी से ही शादी करना चाहते हैं, तो पूजा दीदी खुश क्यों नहीं है। फिर नेहा ने सोचा कि दीदी तो मुझसे हमेशा ही नाराज़ रहती हैं, शायद इसलिए मुझे अपनी परेशानी नहीं बता रही हूँ। और नेहा अपने अतीत के गलियारों में खो गई। नेहा बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी व समझदार लड़की थी। उसका मायका बहुत संपन्न था। श्याम नेहा के कॉलेज में ही पढ़ता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। श्याम ने पढ़ाई के बाद अपना व्यवसाय शुरू किया जो अच्छा चल निकला, तो नेहा के माता पिता ने भी इस रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी। श्याम मध्यम वर्गीय परिवार से था, जिसमें उसकी विधवा माँ, बड़ा भाई रमेश, भाभी पूजा और उनके दो बच्चे थे, और अब इस परिवार में नेहा भी शामिल हो गई थी। नेहा ने महसूस किया कि पूजा उससे उखड़ी उखड़ी रहती है। नेहा की शादी के बाद गृह प्रवेश के समय भी पूजा ने उससे ढंग से बात नहीं की थी। जब नेहा और श्याम की शादी पक्की हुई थी तो पूजा सबसे यही कहती थी, इतने बड़े घर की बेटी है, इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, देखना हमारा घर तुड़वा कर ही मानेगी, देवर जी को अलग करके ही दम लेगी। दरअसल पूजा स्वयं बहुत गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और वो चार बहनें थीं, जिनमें से बाकी की तीन बहनों की आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, सिर्फ पूजा की स्थिति बेहतर थी। पूजा ने ससुराल में अपने सभी कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाए थे और श्याम के लिए तो वह माँ जैसी ही थी, तो उसे लगता था कि कहीं बड़े घर की बेटी उसका हंसता खेलता परिवार न तोड़ दे। नेहा ने शादी के बाद अपने मधुर स्वभाव से सबका दिल जीत लिया, पर न जाने क्यों पूजा का यह सब दिखावा लगता था। समय बीतता गया, नेहा भी दो प्यारे बच्चों की माँ बन गई। पूजा नेहा के बच्चों को खूब लाड़ करती, पर नेहा के प्रति उसका रुख नहीं बदला। शायद पूजा ने नेहा के प्रति द्वेष की एक पक्की गांठ बांध ली थी। इस बात से कभी कभी नेहा की सास दुखी होकर उससे कहती, नेहा बेटा तू बहुत अच्छी है, पर तेरी जेठानी पता नहीं क्यों तेरी अच्छाइयों को देख नहीं पाती, उसे लगता है तू अच्छे होने का दिखावा करती है, पर तू अपना मन मैला मत करना, हमेशा इस घर की एकता को बनाए रखना, तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं भी खुशनसीब हूँ कि तुझ जैसे सुघड़ और समझदार बहू मिली है। नेहा मुस्कुरा कर कहती है, माँ जी मेरे घर में यही सिखाया गया है कि परिवार घर के सभी लोगों से मिलकर बनता है, परिवार के सभी सदस्य व्यवहार में एक जैसे हों यह जरूरी नहीं, लेकिन हाँ उनको एक साथ जोड़े रखना ही उस परिवार को खुशहाल बनाता है। परिवार में मतभेद हों पर मन में भेद नहीं होना चाहिए। आप चिंता न करें माँ जी, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और हुआ भी यही, नेहा ने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। हालांकि जब जब नेहा के मायके से किसी भी तीज त्यौहार पर उपहार आते तो पूजा को हमेशा लगता कि नेहा उसे नीचा दिखाएगी, पर नेहा ने कभी भी ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया। तभी नेहा की सास ने उसका नाम पुकारा तो नेहा की तंद्रा टूटी, वह रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। चाय पीकर नेहा पूजा के कमरे में गई। पूजा गुमसुम सी बैठी हुई थी। नेहा बोली, दीदी कोई परेशानी है क्या, हम सब एक परिवार हैं, सुबह से देख रही हूँ आप उदास हैं, बताइए ना।
पूजा धीमे स्वर में बोली, नहीं कोई परेशानी नहीं है नेहा, तुम जाओ यहाँ से। नेहा से नहीं रहा गया, आंखों में आंसू भर कर बोली, दीदी मेरी शादी को इतने साल हो गए, आप मुझसे हमेशा नाराज़ रहती हैं, आज तो आप बता दीजिए क्या कारण है नाराज़गी का। आपको मेरी कसम, यह पूछकर नेहा रोने लगी। नेहा को रोता देख पूजा भी रो पड़ी। पूजा बोली, नेहा तुम बहुत अच्छी हो, बस मैं ही अपने गरीब मायके के कारण तुमसे कटी कटी रहती थी। मुझे लगता था कि तुम्हारे आने पर इस घर में मेरा महत्व कम हो जाएगा, तुम अपने रईस घर की शान दिखाओगी, पर तुम बहुत अच्छी हो, मैं ही कुंठित होती रही। कुछ देर रोकर जब दोनों के दिल का मैल धुल गया तो नेहा ने कहा, दीदी अब बताओ वाकई में परेशानी क्या है। तो पूजा सुबकते हुए बोली, नेहा तुम तो मेरे मायके में बहनों की आर्थिक स्थिति जानती हो, और मेरे भाई भी नहीं हैं, रीनू का भात कौन भरेगा, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। नेहा आंसू पोंछकर बोली, दीदी बस इतनी सी बात है, आपके भाई नहीं है तो क्या हुआ, मेरे भाई भी तो आपके ही भाई हैं, मेरे भैया रीनू की शादी में भात की रस्म पूरी करेंगे, रीनू उनकी भी तो भांजी है, हम सब एक परिवार हैं दीदी, परिवार हर सुख और दुख में हमेशा एक साथ खड़ा रहता है, आप इतनी सी बात के लिए इतनी उदास थीं, मैंने तो हमेशा से ही सोच रखा था, और मेरे भैया तो हमेशा कहते हैं जैसे मेरे लिए तेरे बच्चे वैसे ही पूजा दीदी के लिए बच्चे हैं। यह सुनकर पूजा ने रोते रोते नेहा को गले लगाकर बोली, नेहा तू मेरी देवरानी है, यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, जिसने सदा पूरे परिवार का हित सोचा है, तू बहुत बड़े दिल और संस्कारों वाली है, मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ़ कर देना, तू सदा खुश रहे। और माया ने नेहा पर आशीषों की झड़ी लगा दी।